देश में जल्द ही इंटरनेट की 5G सुविधा प्रारंभ होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। आज SW24 न्यूज इंटरनेट की इसी सेवा को लेकर आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, जिसमें हम आपको 5G सेवा से जुड़े सवालों से रूबरू करवाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। का शुभारंभ होने जा रहा है। अब जब देश को 5G नेटवर्क मिलने जा रहा है, तो इसे लेकर लोगों के मन में भी कई तरह के प्रश्न बनने लगे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि आज जो हमारे मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड उपयोग में आ रहा है, तो 5G नेटवर्क शुरू होने के बाद में ये सिम कार्ड उपयोग में आएगा या नहीं, या इसके बाद में हमें कोई दूसरा सिम लेना होगा? तो इसके लिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने अभी तक किसी प्रकार का कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि लोगों को अपना सिम कार्ड बदलना होगा। आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे पहले 2G, उसके बाद 3G और फिर 4G नेटवर्क का शुभारंभ हुआ और आज हम 4G नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2G से लेकर 4G तक में हमारे मोबाइल सिम के अंदर जो सिम कार्ड डला है उसे यू सिम यानी USIM कार्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि ये USIM कार्ड सभी तरह के नेटवर्क के लिए यानी 2G, 3G और 4G तथा 5G के लिए कैपेबल है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब लोगों को 5G नेटवर्क आने के बाद में अपना सिम बदलना नहीं होगा और इसी सिम का उपयोग करके 5G इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे। देश में 5G की सुपर स्पीड के लिए आधार तैयार हो चुका है एवं पिछले दिनों इसके लिए स्पेक्ट्रमों की नीलामी भी हो चुकी है। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद घोषणा की गई है कि इस वर्ष के अंत तक देश को ये सुविधा मिल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद देश में कई डिजिटल क्रांति का आगाज होगा एवं हर क्षेत्र में इसके फायदे नजर आएंगे। माना जा रहा है कि देश में 5G नेटवर्क के शुरू होने के बाद खेल मनोरंजन के साथ शिक्षा बैंकिंग सहित हर क्षेत्र में नई संचार क्रांति आएगी एवं इस सेवा के बहाल होने के बाद इंटरनेट से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा भी मिलेगा। दावे किए जा रहे हैं कि इसके शुरू होने के बाद ग्राहकों को मोबाइल फोन पर बात करने से लेकर हर सुविधा का एक अलग अंदाज मिलने लगेगा। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न बनने लगे हैं। आज की हमारी ये रिपोर्ट उन्हीं सवालों का जवाब भी है जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। तो ये बनता है कि आज हम जिन मोबाइल फोनों को उपयोग कर रहे हैं, अर्थात जिन मोबाइल का हम उपयोग कर रहे हैं, क्या उन्हें हमें बदलना होगा? यानी 5G नेटवर्क के शुभारंभ के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन बदलने होंगे? तो इसके लिए आप स्वयं अपने मोबाइल की जांच कर सकते हैं कि आपके मोबाइल 5G नेटवर्क के लिए कैपेबल है या नहीं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन पेज पर जाना होगा। आपको बता दें कि हर मोबाइल निर्माता कंपनी अपने मोबाइल के लिए एक स्पेसिफिकेशन पेज जारी करती है जिसमें उस मोबाइल की सभी प्रकार की जानकारियाँ होती है और आप भी इस जानकारी को ले सकते हैं कि आपका मोबाइल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा या नहीं। इसके बाद बात आती है स्पीड की, तो आपको बता दें कि इस स्पीड को लेकर भी अलग अलग कंपनियों ने कई तरह के दावे किए हैं। कंपनियों के दावे हैं कि कम से कम 1 GB डाटा पर सेकंड यानी 1 GB डाटा पर सेकंड में डाउनलोड अपलोडिंग की क्षमता 5G नेटवर्क प्रारंभ होने के बाद हमको मिलने लगी। इसके बाद में भी कंपनियों के कई दावे, कंपनियों का यहाँ तक दावा है कि 3 GB इंटरनेट डाटा प्रति सेकंड 3 GB डाटा को हम डाउनलोड और अपलोड कर सकें। आपको बता दें कि इस नेटवर्क के शुरू होने के बाद में कई तरह के बदलाव आएंगे। यानी हम देखें तो नेटवर्क की हाई स्पीड आने के बाद में एक फिल्म को डाउनलोड करने के लिए चंद सेकंड यानी 1-2 सेकंड ही लगेंगे। हम मनोरंजन की बात नहीं करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके कई तरह के बदलाव आएंगे। हमने कोरोना काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को जाना है और जाना है कि इस तरह के नेटवर्क की क्या आवश्यकता हमको पड़ेगी। साथ ही अब कई तरह के परिवर्तन आने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी प्रारंभ होने जा रही है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस टेलीविज़न सेट के माध्यम से इस रिपोर्ट और इस खबर को देख रहे हैं उसमें भी बहुत से बदलाव आएंगे। आपको बता दें कि आज जो ये पुराने बुद्धू बक्से कहे जा रहे हैं टेलीविज़न सेट्स भी की जगह इंटरनेट टीवी यानी एंड्रॉयड टीवी आ जाएंगे और इसके लिए आपको न तो किसी केबल की आवश्यकता होगी और न ही आपको किसी प्रकार का कोई डिश एंटीना इत्यादि लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे बदलाव आने हैं और बेसब्री से देश इस 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहा है और अक्टूबर माह में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। आगे इस ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसुंदी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।